नंबर 15 देखिए, यहाँ a बराबर में देखो पीछे के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे एक ही तरह के थे। a बराबर में ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया है, इसका a इनवर्स ज्ञात करना और फिर उस a इनवर्स का प्रयोग करके इस समीकरण निकाय को हल करना। एक्चुअल में यहाँ से जो हम a का वैल्यू लेते हैं ना वही ये दिया है, देख लो 2 - 3 5, 3 2 - 4 और 1 1 1 - 2, ठीक है ना, यही चीज दिया है ना, और यहाँ से भी हम लोग वही लेते हैं, याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग a इनवर्स निकालते ही है इसके लिए भी, तो सेम वही प्रोसेस है, 2 - 5 2 - 3 5 3 2 - 4 और फिर आपके पास है 1 1 - 2, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर में ले लेंगे x y z जो चर है आपके पास, एंड और आपका क्या हो जाएगा b बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ से 11 - 5 - 3, ठीक है। अब समझो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करके इनवर्स निकाले या इसे सॉल्व करके इनवर्स निकाले एक ही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला है? तो हम लोग ए इनवर्स ही निकालना है, तो पहले ए इनवर्स निकालते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो पहले हम लोग इसका ए इनवर्स निकालते हैं, तो पहले इसका ए का सारणिक मान निकाल लेते हैं, 2 - 3 5, फिर है 3 2 - 4, फिर है 1 1 - 2। एक्सपेंड करते हैं, आप R1 ले लो, C1 ले लो, जो भी ले लो, R1 लेते हैं, चलो 2 लेते हैं, 11 यह कॉलम हटेगा आपके पास, 2 - 4 1 - 2, फिर ये लेते हैं, तो यहाँ माइनस में होता है लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो +3 हो जाएगा, तो यह रहो और यह कॉलम हटा देंगे, 3 - 4 1 - 2, ठीक है। अच्छा अगला लेते हैं आपका 5, तो 5 लेंगे, यह रहो यह कॉलम हटेगा आपके पास आ जाएगा 3 2 1 1, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आएगा यहाँ से, -4 and +4 + 3 - 6 and +4, ठीक है। 5 लेंगे, 3 - 2, यही ना होगा आपका, चलिए देखते हैं, 2 × 0 3 × -2, ठीक है, एंड 5 × 1, तो यहाँ देखो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, -6 और +5, यानी कि -1 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। चलिए अब इसका ए इनवर्स निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का इसका कोफैक्टर निकालना होगा, a11 2 - 4 1 - 2, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से, -4 and +4 0, a12 निगेटिव होता है, माइनस दे देंगे, यह रहा और यह कॉलम हटेगा आपके पास, 3 - 4 1 - 2, ठीक है, देख रहा है ना, ये लेंगे तो ये हटेगा, 3 - 4 1 - 2, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -6 और +4, तो अंदर -2 होगा और ये बाहर माइनस है तो +2 हो जाएगा, a13, ठीक है। चलिए यह रहा और यह कॉलम हटेगा, 3 2 1 1, तो आ जाएगा 3 - 2 1, a21 माइनस लगा दिया, यह रहा और यह कॉलम हटा, आपके पास क्या बचेगा, -3 5 1 - 2, यही ना हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 - 5, तो घटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना और बाहर माइनस है तो -1 लिख देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तो इसको हमें नीचे लिख लेंगे ना, इसको थोड़ा सा और नीचे तो अच्छा रहेगा, चलिए अब ठीक है यहाँ पे है तो अच्छा रहेगा, a22 पॉजिटिव होता है। चलिए ये आपके चारों बच जाएंगे आपका 2 5 1 - 2, तो यहाँ आएगा -4 और -5 -9, ठीक है, a23 माइनस का होता है, यह रहा और यह कॉलम बचेगा आपके पास, 2 - 3 and 1 1, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर 2 + 3, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, -5 आ जाएगा, a31, ठीक है, a31 यह रहा और यह कॉलम गया, ये आपका बचेगा, -3 5 2 - 4, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 3 12,
और माइनस का 10, तो 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा। अब चलते हैं a 32, तो माइनस का होता है a 32 माइनस, यह कॉलम और यह रो हटेगा, आपके पास 2 5 3 माइनस 4 यही ना बचेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 8 और माइनस का 15, ठीक है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 ना, हाँ तो 23 आ जाएगा माइनस का और बाहर माइनस है तो प्लस का 23 हो जाएगा ना। चलिए अब देखते हैं a 33, a 33 यही ना, चलो देखते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे देखो यह रहा और यह कॉलम हट जाएगा, यह 4 आएगा, 2 माइनस 3 3 2 2 माइनस 3 3 2 2 माइनस 3 3 2, तो यहाँ आएगा 4 और प्लस में 9 तो 13 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में क्या आ जाएगा आपका, तो ये जो आपके कोफैक्टर है ना, इन्हीं को सचाकर और इनका ट्रांसपोज निकाल देंगे। चलिए देखते हैं क्या है, 0 12 कितना है 2, ये 13 1, फिर उसके बाद है आपका ए 21 माइनस 1, ए 22 माइनस 9, ए 23 माइनस 5, ठीक है। अब देखिए ए 31, ए 31 है आपके पास कितना 2, ए 32, ए 32 है आपके पास 23, और ए 13 है आपके, ए 33 है आपके पास 13, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल देते हैं, 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5, माइनस 1 है सॉरी माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5, 2 23 30, यही ना होगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स ना, तो ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना, तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू माइनस 1 आया है, चलिए माइनस 1, एंड एडजॉइंट ऑफ ए यही है 0 माइनस 1 2, 2 माइनस 9 23, एंड फिर है आपका 1 माइनस 5 माइनस 13, ठीक है। अब ये माइनस 1 बाई माइनस 1 जो है इसे इंटू करेगा तो सबका साइन बदल जाएगा बस, तो ए इनवर्स निकल जाएगा, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 1 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 23 माइनस 1 माइनस है तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस का 5 और यहाँ पर प्लस का 23, ठीक है, सबका साइन बदल दिए मैं, माइनस का 20 माइनस का हो जाएगा, यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो ये पॉजिटिव था 13 यहाँ पे, ठीक है देख रहे हैं ना, ये ना वैल्यू रखना था, तो यहाँ निगेटिव हो गया, सबका साइन हमने बदल दिया, समझ गया ना, ये माइनस जो है सबसे इंटू कर गया तो सबका साइन मैंने बदल दिया, तो प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में आ गया, तो यही हमें ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स तो निकल गया। अब क्या कह रहा है, तो हमें एक्स वाई जेड का भी वैल्यू निकालना है, तो भाई एक्स बराबर में ए इनवर्स बी करेंगे, चलिए देखते हैं, तो एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू आपके पास है एक्स वाई जेड और ए इनवर्स, तो ये रहा ए इनवर्स निकला तो है 0 1 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 23 और फिर है माइनस 1 5 माइनस का 13, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इनटू में देना है बी, तो बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या है जी 11 माइनस 5 माइनस 3 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 चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। पहले रो में पहले कॉलम से तो 0 माइनस 5 प्लस का 6, ठीक है। चलिए इस दूसरे रो में पहले कॉलम से तो माइनस का 22 माइनस का 545 और प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये 69 आ जाएगा। चलिए थर्ड रो में पहले कॉलम से माइनस 11 माइनस 25 प्लस 13 3 39, चलिए देखते हैं यहाँ पे एक आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों जोड़ के आपका कितना हो जाएगा माइनस का 67 और यहाँ 69 है हाँ, तो आपका कितना 2 बचेगा, 2 बचेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 6 कितना आ जाएगा 36 आएगा माइनस का 36 और प्लस का 39, तो यहाँ 3 बचेगा,
तीन बचेगा, तो संगत अवयव यहाँ पे बराबर कर दो, तो x बराबर में 1, y बराबर 2 और z बराबर में 3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला